आओ बेटे शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। इससे पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, स्टेप देखे थे, जितने भी हमारे स्टेप्स हैं हमने वो देखे थे और हमने क्वेश्चन किया था इलस्ट्रेशन नंबर वन। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, इलस्ट्रेशन नंबर टू की तरफ बढ़िए बेटे, फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हमें जल्दी से स्पीड बढ़ानी है। अब इलस्ट्रेशन नंबर टू, एडमिशन और पार्टनरशिप का इलस्ट्रेशन नंबर टू, और कहानी वैसी रहेगी जी, बिल्कुल वैसी रहेगी जैसे हमने शुरू से लेके चले। क्या सर? स्टेप बाय स्टेप। क्या कहा मैंने? बोलू स्टेप बाय स्टेप। लेट्स स्टार्ट। तो शुरू हो बेटे फटाफट से, मैं लास्ट बार स्टेप दिखा रहा हूं तो ध्यान रखना, जिस बच्चे के स्टेप छूटे हों वो भी लिख लेंगे, और नहीं भी आपके छूटे हों बेटे प्लीज आप लोग भी लिख लीजिए। आइए स्टार्ट। सबसे पहले देखो ए बी पार्टनर है, हाँ जी पार्टनर है, उनका रेशियो क्या है जी? पुराना 3:2 का रेशियो, इलस्ट्रेशन नंबर टू। बेटे बैलेंस शीट में देखो कहीं पे स्टेप के लिए रिजर्व एंड सरप्लस के लिए बात लिखी हुई है क्या? नहीं जी। देखो बेटे यहाँ पे स्टेप नंबर टू बैलेंस शीट में नहीं दे रखा है ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस। एक बार फिर से दिखाऊं क्या आपको स्टेप? आइए मैं एक काम करता हूँ, फिर से आपको एक बार थोड़ा सा स्टेप दिखा देता हूँ, हो सकता है पिछली क्लास में आपने सही से ध्यान ना दिया हो या पिछली क्लास का कुछ आपको याद ना आ रहा। देखिए स्टेप नंबर वन हमें क्या देखना है क्वेश्चन के अंदर, मतलब बेटे क्वेश्चन में होना क्या है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग चलाना है। स्टेप नंबर वन हम क्वेश्चन में लिखेंगे नया रेशो। अब देखना जरा इस क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे नया रेशो कहाँ दे रखा है, जरा इस पे लिखो फटाफट से, यहाँ पे लिखो बेटे, इस पर लिखेंगे सारे बच्चे फटाफट से, नया रेशो कहाँ दे रखा है? क्या हमें क्वेश्चन में कहीं पर नया रेशो दे रखा है? ये हमारा ए और बी वाला है ना, देखो जी, हाँ वो ये, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में नया रेशो नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर बस इतनी बात लिखी है कि भाई 1/5 के लिए शेयर ला रहा है, तो इसका मतलब क्या है बेटे, हमने यहीं पे ही नया रेशो निकाला था, याद है आपको कि नहीं? तो यहाँ पर लिख लो आप पहले फटाफट से, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन, यहां से हमें पता चलेगा बेटे नए रेशो का। बेटे क्वेश्चन में देखो जरा फटाफट से लिखो मेरे साथ साथ में, क्योंकि क्वेश्चन हमें पढ़ना है एग्जाम में और उसको अपने अकॉर्डिंग ढाल लेना है। स्टेप नंबर टू जरा देखना, जरा बैलेंस शीट में कहीं पर भी रिजर्व एंड सरप्लस नाम की चीज है क्या? नहीं है, तो आपको ये चीज कहां पे लिखनी है? यहां पे लिखनी है स्टेप नंबर टू, ओल्ड वाला रिजर्व एंड सरप्लस है क्या? बताओ थर्ड स्टेप क्या था हमारा? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्या था बोलो? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो लो बेटे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करो जी फटाफट से। स्टेप नंबर थ्री, हमारा कहीं पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है क्या इस क्वेश्चन में? भाई कोई गलती वलती हो तो बताओ, यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहीं भी बेटे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नाम की चीज नहीं है। देखिए बेटे स्टेप नंबर थ्री यहाँ पर इस क्वेश्चन में नहीं है। स्टेप नंबर फोर रिवेल्युएशन, बेटा दे रखा है क्वेश्चन में, हाँ जी। आइए जरा ये पॉइंट सेकंड थर्ड फोर्थ हमारे जो है वो कौन से है हमारे, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारे स्टेप नंबर फोर के हैं। लिख लीजिए बेटे स्टेप नंबर फोर रिवेल्युएशन। बेटे मैं जब स्क्रीन से हटाऊंगा इस चीज को तो ये हट जाएगा, स्क्रीन पे नहीं रहेगा, तो आप स्टेप साथ साथ नोट करते चलना। स्टेप नंबर फाइव गुडविल, बेटा देखो पिछले क्वेश्चन की तरह थे, यहाँ पे भी क्वेश्चन बता रखा है 1/5 के लिए गुडविल हमारी स्टेप नंबर फाइव। स्टेप नंबर सिक्स बेटे कैपिटल, ये रहा जी हमारा स्टेप नंबर सिक्स कैपिटल। अगर क्वेश्चन ने बोला कि नई फर्म में क्या, नई फर्म में क्या करना है आपको, कैपिटल को भी किसमें कर देना है, रेशो में कर देना है, तो बेटे तब हम ऐसा करेंगे स्टेप नंबर थ्री करेंगे, ठीक है जी, जब क्वेश्चन बोले। यहां पर स्टेप नंबर सेवन नहीं है, लिखे यहां पर स्टेप नंबर सेवन यहां पर नहीं है, तो कौन कौन से स्टेप यहां पर नहीं है? स्टेप नंबर थ्री नहीं है और स्टेप नंबर सेवन यहां पर नहीं है इस क्वेश्चन में। मेरे ख्याल आपने लिख लिए हैं स्टेप्स, तो आइए फिर ज्यादा बातें ना करते शुरू हो जाते हैं हम लोग, और बेटे थोड़ा सा स्पीड अब हमारी तेज हो जाएगी, ठीक है ना,
क्योंकि बेटे देखो जब सीख रहे होते हैं तो हमेशा धीरे चलना चाहिए, लेकिन जब सीख चुके होते हैं तो फिर बेटे प्रैक्टिस तो देखो फास्ट होती है। तो मैं शुरू करता हूं बेटे, आइए एक मिनट। आइए तो फटाफट से लिखें, एक मिनट। हाँ जी, तो लिखो बेटे फटाफट से, इलस्ट्रेशन नंबर टू। इलस्ट्रेशन नंबर टू पढ़ो बेटे, यहाँ पे हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है यू आर रिक्वायर्ड टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर एंड शो द बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। बेटे बैलेंस शीट के लिए लेजर भी जरूरी है, तो हम लोग क्या करेंगे पहले से ही पूरी तैयारी से अच्छे से बात करेंगे, लेजर भी हमें बनाने हैं। तो कुल मिलाकर के बात वहीं पे आएगी, बस एक बात यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, क्या आप पढ़ी इधर पॉइंट नंबर फाइव, पॉइंट नंबर फाइव पढ़िए। यहाँ पर बेटे मनमोहन सिंह जी आ गए, मनमोहन सिंह जी याद है ना, जहां पर ये बोला था कि मैं पुराने वाली वैल्यू पे ही दिखाना है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। पार्टनर्स एग्रीड दैट द वैल्यू ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज रिमेन एट द सेम एंड एज सच देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन देयर बुक वैल्यू एज ए रिजल्ट ऑफ दिस। कह रहे कि भैया पार्टनर ये कहते हैं कि हम लोग चाहते हैं पुरानी वैल्यू पे ही बुक्स कंटिन्यू कर, लेकिन बेटे हिसाब किताब तो पूरा होना है। तो शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है बेटे, यहां पर सबसे पहले हमें बनाना है क्या, यहाँ पर स्टेप नंबर थ्री है नहीं है, तो हम यहाँ पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए तो बनाएंगे नहीं। हाँ यहाँ पर बनेगा बेटे रिवैल्यूएशन अकाउंट, कौन सा बनेगा बेटे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। लिखिए जी नंबर वन ए रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बेटे जो बच्चे फाउंडेशन के हैं वो पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट लिख लिया करेंगे, है ना। हाँ और वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बोली बच्चे ने कि सर पूरा नाम लिखते हैं ना इसको, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। आइए जी दूसरा अकाउंट हमारा कौन सा बनेगा जी, नेक्स्ट मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन की बात में अगला बेटे ऑफ कोर्स नन अदर देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर्स थे बताओ इस क्वेश्चन में, ए और बी हैं और सी को एडमिट कर रहे हैं बेटे, तो तीन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनेंगे, मिस्टर ए मिस्टर बी मिस्टर सी। मिस्टर ए मिस्टर बी मिस्टर सी, लो जी बेटा जी देखो यहाँ पे बी पार्ट बी लेजर, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक मिनट होल्ड करना, आओ जी। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटे कौन कौन पार्टनर है यहाँ पे, ए बी और सी। बेटे मेरे से आगे आगे चलते रहना प्लीज, बहुत तेजी से जितनी तेजी से तुम कर सकते हो, ए बी और सी। पहले लेजर खींचो, अगली बात कौन सी बेटा, बैलेंस शीट। ये मत सोचना कि कहीं कोई गलत हो जाएगा, गलत बिल्कुल नहीं होगा, बस स्टेप स्किप नहीं करना और पूरी स्पीड बढ़ा दो। सी पॉइंट, सी पॉइंट एग्जाम में कम से कम टाइम में हमें सारे नंबर खींचने हैं, तो हमें हर चीज पर वर्क करना है, स्पीड भी अपने आप प्रेजेंटेशन भी अपने आप। आइए जी देखो बेटे बैलेंस शीट कौन से वाले बेटे, फर्म का नाम तो नहीं दे रखा ना, देखो बेटे बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, प्रेजेंटेशन बिल्कुल ऐसी रखनी है जैसे मैंने यहाँ पे कहा है, बिल्कुल भी दाएं बाएं तो होनी नहीं है। देखिए लायबिलिटीज, और एग्जाम में एक ही कलर का पेन यूज करना है आपको, ये बात ध्यान रखना है ना, एग्जाम में सिर्फ एक ही कलर का पेन और वो भी ब्लैक। अगली बात
वर्किंग नोट बेटे, वर्किंग नोट शुरू जाओ बेटे, वर्किंग नोट, बल्कि वर्किंग नोट का ध्यान रखना, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, वर्किंग नोट हम बिल्कुल अलग पेज पे स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना, भले ही हमारे पास जगह क्यों ना बची हुई हो, तो मैंने इस पेज पे वर्किंग नोट स्टार्ट नहीं की जिस पेज पे बैलेंस शीट है, मैंने क्या किया एकदम अलग पेज पे ले गया, नए पेज पे, और वहां पे शुरू हो गए बेटे, नंबर और अच्छे होंगे, कटेंगे नहीं, डोंट वरी। वर्किंग नोट पहले हेडिंग डाल दो, वर्किंग नोट्स, कि हम अपने सारे वर्किंग नोट्स एक तरफ से आपको दिखाएंगे प्रेजेंटेशन वाइज। जरा लिखो वर्किंग नोट नंबर वन, और आगे क्या करो आप वर्किंग नोट की एब्रिविएशन यूज करो WN1। देखो सबसे पहली बात रेशो, रेशो नहीं, स्टेप नंबर फर्स्ट है ना आपका, उसको आप वर्किंग नोट नंबर वन पे डाल दो पहले, न्यू रेशो। पर इसका ध्यान रखना, कभी आप ये सोचो कि स्टेप नंबर वन मतलब वर्किंग नोट नंबर वन में मैचिंग हो जाए नंबरिंग की, ना, आओ जी स्टेप नंबर वन न्यू रेशो। बताओ बेटे सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर तुम लोग जो करते हो बस सीधा नया रेशो लिखना शुरू कर देते हो, बाद में फिर उलझते हैं, तो इससे बढ़िया क्या यही सारी बात लिख दो, ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं जी, लो बेटा भाई ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, मिस्टर ए और मिस्टर बी, जिनका रेशो क्या है जी 3:2 का है जी। फिर बेटे नए पार्टनर्स कौन कौन से हैं जी, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। भाई नया पार्टनर हमारा सी आ गया आज, क्या यहाँ पे नया रेशो दे रखा है, नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं जी नया रेशो निकालेंगे जी, पर अब आलस से बिल्कुल नहीं, बस निकालना तो निकालना है। लो बेटे सी का रेशो है 1/5, सी का रेशो कितना है बेटा 1/5, इट मींस दैट इज जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग बस यहाँ पे लिख देना वेयर, कि भाई जहां पर हमने ऐसे निकाला जो एबीसी का रेशो है वो इस तरह से आया, रिमेनिंग कितना है बेटे 1-1/5=4/5। देखो यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे लिखो रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूटेड, नहीं बताया जी पुराने पार्टनर्स के बीच में नया रेशो, तो बेटे पुराने रेशो ही नए रेशो में तब्दील होंगे पुराने पार्टनर्स के बीच में, आओ जी जरा करें फटाफट से। तो भाई 4/5 को बांट दिया है मिस्टर ए को, कितना 3/5 के रेशो, 3/5, 4/5 को बांट दिया है मिस्टर बी को 2/5 के रेशो में। लो भाई लो जल्दी करो 12/25, 8/25, 8/25 बेटे जब नया रेशो निकाल लो तो मेरे बच्चों ये टेबल जरूर बना लेना, इस टेबल से सारी दुविधाएं सुविधा में बदल जाती हैं, कोई भी दुविधा नहीं रहती है। अच्छा सर कैसे, बेटे कई बार ना इक्वलाइज करना पड़ जाता है हमें चीजों को मैथमेटिकली, और कभी कभी हम क्या करते हैं काम तो सारा सही कर जाते हैं फिर क्या करते हैं गड़बड़ कर देते हैं। देखो जरा ए बी और सी, जरा बताओ तो नया रेशो क्या आया, सर इसका तो 1/5, हाँ जी इसका कितना आया 12/25 और इसका 8/25। मैं मानता हूँ बच्चे एक्सपर्ट हैं मैथमेटिकली मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन मैं तो एक चीज लेके चलता हूँ सिस्टमेटिक। आओ जी सबके नीचे मेरे को क्या करना है 25-25 कर देंगे, एग्जामिनर को दिखाओ तो जो तुम जानते हो करते हो, जो तुम नहीं जानते वो तक दिखा के आते हो, जो जानते हो उसको बढ़िया से क्यों नहीं दिखाते। 25 लो बेटे 12, 8 कितने से मल्टीप्लाई करो 5 से ऊपर 5 से नीचे तभी तो 25 होगा, 5 यानी कि रेशो हमारा कितना हो गया जी 12, 8, 5। तो लो बेटे 12, 8, 5 हमारा आया, वो इस तरह से आया, हमने क्या किया प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ में वर्किंग नोट नंबर 1 हमने दिखा दिया। स्टेप नंबर फर्स्ट एडमिशन का, स्टेप नंबर फर्स्ट नया रेशो निकालना, मुझे नहीं पता क्वेश्चन 10 पेज का है। स्टेप नंबर 2 देखो जरा बैलेंस शीट में कहीं रिजर्व सरप्लस है क्या, यहां पर नहीं है, होता तो मैं पार्टनर्स कैपिटल में बांट देता। स्टेप नंबर 3 बेटे कहीं पे कोई रेक्टिफिकेशन वाला पॉइंट है क्या, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इस क्वेश्चन में भी नहीं है, तो मैं स्किप करता जाऊंगा उस स्टेप को, मुझे नहीं पता कितनी सारी बातें लिखी हुई है क्वेश्चन में, मैंने तो उनको स्टेप में तोड़ दिया।
स्टेप नंबर फोर रिवेल्यूशन है क्या? हाँ जी, पॉइंट नंबर टू थ्री फोर हमारा रिवेल्यूशन है, लेकिन ध्यान रहे पॉइंट नंबर फाइव कहता है ये मेमोरेंडम रिवेल्यूशन है। तो लो बेटे फटाफट से शुरू हो जाओ, आओ बच्चों आओ, मेमोरेंडम रिवेल्यूशन कराओ। लो भाई लो, लो भाई लो, जल्दी करो। जो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं वो पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट डाल लें। तो आइए बेटे मेमोरेंडम रिवेल्यूशन करते हैं। क्या कहता है जी क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कहता है बेटे मेरे साथ साथ, सबसे पहले पॉइंट नंबर सेकंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाइए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाइए। कितना? कितना? 2%। कितना? 2%। ध्यान रहे ये बैड डेट्स नहीं है कि मैं टू डेटर करूं, मैं करूंगा टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। और डेटर कितने के हैं? डेटर है हमारे 25,000 के। तो मैं एक काम करूंगा फटाफट से, टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स लिखूंगा। कितना है बेटे डेटर हमारा? 25,000। 25,000 का 2% कितना होता है? 500 होगा। 25,000 का 2% हो गया 500। तो मैं बैलेंस शीट में भी लिख दूं साथ साथ बेटे डबल एंट्री, मेरे बच्चों डबल एंट्री भूलना जाना, डबल एंट्री। बैलेंस में देखो कितना है, कितनी कितना स्पेस मुझे छोड़ना है ऊपर दूसरी चीजों के लिए, क्योंकि बेटे ऐसा ना हो कि हम बैलेंस शीट का जो ऑर्डर है वो डिसऑर्डर कर दे। पता है ना आपको मार्शलिंग पढ़ी है? नहीं पढ़ी है? जिन्होंने नहीं पढ़े बता दूं, एक होता परमानेंट ऑर्डर, एक होता लिक्विडिटी ऑर्डर। परमानेंट मतलब यानी कि बैलेंस शीट में जो सबसे बाद में जाने वाली चीजें वो सबसे ऊपर है ना, और लिक्विड वाली चीजें नीचे। जरा देखना, फ्री होल्ड प्रीमिसेस, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। तो सबसे लास्ट में जाकर के इसका नंबर आना है। तो मैं क्या करूंगा, ट्रेड रिसीवेबल को लगभग ऐसे ही लिखूंगा, बैलेंस शीट में सबसे नीचे को लिखूंगा, कहीं ऐसा ना हो हमारा ऑर्डर बिगड़ जाए। ट्रेड रिसीवेबल बेटे ये 25,000 के दे रखे हैं क्वेश्चन में, और यहीं पर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स या रिजर्व फॉर बैड डेट्स 500 रुपए की हमने क्रिएट की। तो ये आ गया कितना? 24,500 का। डबल एंट्री में साथ साथ करता रहूंगा। नेक्स्ट, अगला रिवेल्यूशन का पॉइंट क्या है जी? अगला पॉइंट हमें क्वेश्चन दे रखा है पॉइंट नंबर थर्ड, इन्वेंट्री टू बी रिटन डाउन बाई। बेटे इन्वेंट्री देखो कहां पे लिखी है, बैलेंस शीट में सबसे नीचे को कहीं, ट्रेड रिसीवेबल से ऊपर। तो प्रेजेंटेशन में ध्यान रखना है कि हमें भी उसको ऐसे ही कोशिश करनी है। कोशिश करा करो बैलेंस शीट जिस ऑर्डर में दी है, जिस जगह पे जो जो चीज लिखी है उसी ऑर्डर में आप नई बैलेंस शीट को बना के दो। अब ट्रेड रिसीवेबल से जस्ट ऊपर हमने इन्वेंट्री को लिख देना है बेटे कितना? 30,000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एक छोटी सी चीज बेटे पता है, एक असली पॉइंट बहुत अच्छा लगा क्या, हमें यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि बेटे मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन है। क्या कहा मैंने? क्योंकि बेटे मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर ना अपडेटेड वैल्यू पे नहीं लिख पाऊंगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या है पता है बेटे, मैं यहाँ पर सीधा सीधा जैसी मेरी बैलेंस शीट बनी हुई है, मैं एज इट इज आउटर कॉलम में सीधा सीधा उसको लिखता जाऊंगा। अगर यहाँ पर ये वर्ड नहीं लिखा होता ना, क्या नहीं लिखा होता बोलो, कि सर कितना है ये 25,000 है ना, कि नई बुक्स में भी सेम वैल्यू कंटिन्यू करनी है, तो मैं ऐसा कर रहा होता जैसे मैंने अभी किया। सर तो फिर अब क्या करेंगे? मैंने कहा कुछ भी नहीं, फटाफट से लिख दो इन्वेंट्री, पहले बताऊंगा फिर क्या करेंगे। लिख लो पहले इन्वेंट्री, जो जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको लिखते जाओ पहले। कितना इन्वेंट्री? सर इन्वेंट्री हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितने का? 30,000 का। तो क्योंकि यहां पर क्या होना है, हमारी वैल्यू अनचेंज रहनी है, तो पहले तो कर दो काम। क्या 30,000 का कितना परसेंट? 10% है ना जो घटेगा, कितना हो गया? 3,000। टू इन्वेंट्री, टू इन्वेंट्री 10% से डाउन होगी 3,000। बेटे बाद में क्योंकि मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन है, बाद में ये एंट्री सर से पलट जानी है, कोई बात नहीं पहले कर लेंगे फिर पलटेंगे। अगला पॉइंट, फ्री होल्ड प्रीमिसेस है जिसको रिवॉल्यूशन करना है किस पे? 240,000 पे। बेटे जरा देखना फ्री होल्ड प्रीमिसेस कितने का है? 2,00,000 का। जरा आओ फटाफट से बेटे बैलेंस शीट में पहुंचो बेटे, क्योंकि बैलेंस शीट हमें बनाने के लिए अलग से टाइम नहीं लगाना। अगर डबल एंट्री के जरिए हमें यहीं पे पूरी करनी है तो यहीं करनी है, चाहे इफेक्ट दिखाए ना दिखाए। हाँ जी, क्या है ये? फ्री होल्ड प्रीमिसेस, जल्दी से लिखो बेटे, फ्री होल्ड प्रीमिसेस। नई वैल्यू कितनी है इसकी? 240,000, लेकिन मैं उसको दिखा नहीं सकता क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने मना किया यहाँ पर, और मैं 2,00,000 ही दिखाऊंगा। आगे चलो अगली वैल्यू, क्या इसमें कोई चेंज हुई है? हाँ सर चेंज आया सर। तो बेटे इस 40,000 को तो मैं प्रॉफिट को तो कंसीडर करूंगा कि नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा जी, बाई फ्री होल्ड प्रीमिसेस।
कितना 40,000। पहले मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन बना लेंगे। अगला पॉइंट क्या बेटे अपना रिवॉल्यूशन का, अगला पॉइंट है बेटे प्लांट, फिर फर्नीचर, फिर ऑफिस इक्विपमेंट। प्लांट है कितने का, 35,000 का। पहले कितने का दे रखा था बोलो, 40,000 का। तो बेटे प्लांट जो है, जो 40,000 का था, वो अब रह गया है कितने का, सिर्फ और सिर्फ टू प्लांट 35,000 का, यानी कितना गया बेटे 5,000। 5,000 से वैल्यू घट गई मेरे बच्चों। 40,000 का प्लांट है और वैल्यूएशन में कितना रह रहा है, 35,000 का। हमें भले ही नई बैलेंस शीट में इसको अभी भी कितने का दिखाना है, रुकना जरा, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? अच्छा, वो फ्रीहोल्ड प्रीमिसेस का था। प्लांट की बात करते हैं, प्लांट कितने का है जी, 40,000 का है। तो पहले तो बैलेंस शीट में लिख दो पुरानी वैल्यू को, प्लांट, एक एक लाइन छोड़ के, प्लांट कितने का है, 40,000 का। लेकिन वैल्यू तो इसकी घट गई ना, तो हम यहाँ पर रिवैल्यूएशन में क्या करेंगे, पहले उसकी वैल्यू को, घटने वाले को वैल्यू को काउंट कर लो। 40 से कितनी रह गई जी, ये रह गए बेटे 35। मतलब बेटे टू प्लांट 5,000 का घट गया। क्या कहा मैंने बोलो, घट गया। डोंट वरी, हम बाद में इनको रिवर्सल करेंगे। आपको पता ही है मैं क्या कह रहा हूँ, आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्नीचर 25,000 का है जी, और था कितना बुक्स में, फर्नीचर 20 का था जी, बढ़ गया जी। ओहो, बढ़ गया फर्नीचर 22। फर्नीचर बेटे 5,000 से फर्नीचर बढ़ गया। आओ बेटे आगे बढ़े, तो जरा देखें तो सही, जरा फटाफट से बैलेंस शीट में भी लिखो बेटे फर्नीचर। फर्नीचर क्या मैं 25 का लिख दूं? ना जी ना, बुक्स में 25 तो दिखाना ही नहीं है, लेकिन 25 का हिसाब किताब जरूर पूरा करना है। नए पार्टनर से पहले ही कह देंगे भैया 5,000 में हिस्सा दे। आगे बढ़ो, ऑफिस इक्विपमेंट कितने का है, आज की डेट में 27,500 का है। पहले कितने का था ऑफिस इक्विपमेंट, 25 का। पहले तो पुरानी बैलेंस में लिख दो, ऑफिस इक्विपमेंट कितने का है, पुरानी बैलेंस शीट में 25,000 का है। तो पहली बात तो ये नई वैल्यू में भी, नई बुक्स में भी सेम वैल्यू रहेगी 25 की, हमने लिख दिया। लेकिन इसका रिवैल्यूएशन में इफेक्ट जरूर लेना है हमें। लो जी, हो कितने का गया, अब ये 27,500 का हो चुका है। तो बेटे 2,500 का हमें यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट का हिसाब किताब करना है, बाई ऑफिस इक्विपमेंट 2,500। नेक्स्ट पॉइंट बेटे, अगली बात करते हैं बच्चों। पार्टनर एग्रीड दैट वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज रिमेन द सेम, ठीक है ना? इसी वजह से तो सारे ड्रामे हुए मेमोरेंडम के। तो बेटे इसको निपटाओ फिर काम को फटाफट से। ये रहा हमारा मेमोरेंडम रिवेल्युएशन, जरा इसका टोटल करो बेटे फटाफट से। सारे बच्चे फटाफट से क्या करेंगे, अवन करेंगे, ना 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 ना, वो नहीं, टोटल करेंगे, टोटल करेंगे, टोटल करेंगे। करो बेटे इसका टोटल, टोटल हो गया 40 और 45 और 2 47,500। क्या बेटा, क्या 47,500, 47,500 में से हटा दो मेरे बच्चों, 8,000 तो ये हट गए और 500 ये हट गए, बेटे कितना हो गया 39,000। अब ये 39,000 किस किस में बटेगा जी बोलो बेटे, ए बी सी में, 2A, 2B और 2C, इन तीनों में बटेगा। और पता है बेटे किस रेशो में, ऑफ कोर्स पुराने वाले रेशो में। पुराना रेशो क्या था जी, 3 और 2 का, 3 और 2 का। एक मिनट हृदय, मैं अभी बात कर रहा हूं, ये पूरा करने के बाद डाउट लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे मैंने तुम्हें अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया, 2 मिनट रुक जाना है ना। हाँ जी, 3 और 2 का, सी यहां पर नहीं है जी पार्टनर, ए और बी है। तो भाई 3 और 2 के रेशो में बांटो बेटे, 39,000 को हमने बांटा जी, एक का आ गया 23,400 और इनका आ गया बेटे 15,600। अब ये तो हो गया हमने, अच्छा आप ये बता रहे थे सीधे, ओके बेटा हृदय, तो हमने क्या किया बेटे, रिवेल्यूशन पहले कर लिया। अब पहले तो हमने क्या किया, पुराने वाले पार्टनर में इसका प्रॉफिट बांट लिया, नंबर एक बात। अब हमने क्या किया, ये सारा का सारा रिवर्स होगा किसमें, और नए पार्टनर बात होगी। तो जितनी भी बातें इधर थी वो सारी बातें इधर रिवर्सल, और जितनी भी बातें ये थी सारी सारी इधर। लेकिन ध्यान रहे, ये
इनका जो भी डिफरेंस आएगा ये प्रॉफिट और लॉस किस में जाएगा, नए पार्टनर्स में जाएगा। किस में जाएगा बोलो बेटे, नए पार्टनर्स में। तो आइए जरा शुरू करते हैं, इनको हटा दो जो मैंने एक्स्ट्रा लाइन लगाई है आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो बेटा रिवर्स करो, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं रिवर्सल किससे करता हूँ, रेड कलर से करता हूँ, लेकिन आपका एग्जाम में एक ही कलर करना है। पहले हमने फ्री होल्ड प्रीमिस को बढ़ाया पुराने के लिए, फिर हमने उसको वापस से घटा दिया, टू फ्री होल्ड प्रीमिसेस 40,000, टू फर्नीचर कितना बेटे 5,000, टू ऑफिस इक्विपमेंट कितना बेटा 2,500, इधर बाई रिजर्व फॉर बैड डेट्स कितना 500, बाई इन्वेंट्री बेटे एक तरह से क्या हुआ, हमने पहले उस उनके अकाउंट में वैल्यू बढ़ाई और फिर हमने वापस ले ली, इसी को बोलते हैं मेमोरेंडम। आइए जी, इन्वेंट्री कितना बेटे 3,000, बोलो बोलो, प्लांट कितना बेटा, प्लांट 5,000, सब कुछ रिवर्सल में चल रहा है सब कुछ। आओ जरा अब बेटे फिर से क्या होगा बेटा, फटाफट से इसका क्या करेंगे हम लोग, टोटल करेंगे 47,500 और यहाँ पे आ गया बेटा अपना क्या 39,000, और ये बढ़ जाएगा किसमें, बाई ए बी सी बेटे तीनों में बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखना। पहले पुराने पार्टनर में बांट दिया प्रॉफिट, फिर नए पार्टनर में जेब से वापस निकाल के रख दिया, इस तरह से गेनिंग सेक्रीफाइसिंग का हिसाब किताब यहाँ भी चलता है जी। तो बांटो जरा ए बी सी में, इनका नया रेशो क्या है जी, इनका नया रेशो बच्चों हमने निकाला था, इसका नया रेशो 12:8:5 याद है आपको, 12:8:5। तो अमाउंट देखो जी फटाफट से कितनी आई, 18,720, 12,480, 7,800 इनकी कैपिटल में हमने क्या किया, इसको डेबिट कर दिया। स्टेप नंबर वन नया रेशो, स्टेप नंबर टू रिजर्व एंड सरप्लस, स्टेप नंबर थ्री रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यहां पर नहीं है जी रिजर्व एंड सरप्लस वाला सेकंड स्टेप, और स्टेप थ्री भी नहीं है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। स्टेप नंबर फोर ये रहा रिवैल्यूएशन, बताओ बेटे इसकी पोस्टिंग कहां पे करेंगे, क्या बैलेंस शीट में कोई वैल्यू चेंज हुई, जरा देखो कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई, लेकिन दूसरा इफेक्ट तो गया ना पार्टनर्स कैपिटल में, जरा चेक करो बेटे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में दिखाने हैं बच्चों, भूल ना जाना। आओ जरा आओ जी, सबसे पहले मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, पहले ना कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी लिखो, पता चला तुम पहले रिवैल्यूएशन वाला डाल दो अच्छा नहीं लगेगा, तो पार्टनर्स का पहले वहां पर कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस उतार दो और फिर लिखो टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल में बाय मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, लिखो बेटे बाय बैलेंस ब्रो डाउन कितना 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 कैपिटल कितने की है बच्चों, ये रही 2,00,000 और 1,00,000, लो भाई लो जल्दी करो रिवैल्यूएशन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन उसी की तो पोस्टिंग करने आए हैं, बाई मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, क्या हमने प्रॉफिट को बांटा, ओ ओ ओ ओ ओ ओ कैसे बांटा जी फटाफट से बताओ, इनको दिया जी 23,400, 15,600 और टू रिवैल्यूएशन मेमोरेंडम वाला, क्या बेटे रिवर्सल, आओ बेटे 18,720, 12,480 और बेटे 7,800। नेक्स्ट स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4 हो चुके हैं बच्चों, जल्दी से देखो स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4 हो चुके हैं, अब हमें कौन सा स्टेप करना है, स्टेप नंबर 5।
स्टेप नंबर फाइव बेटे हमारा कहाँ पे जाएगा? वर्किंग नोट पे। आओ बेटे फटाफट से लिखो, स्टेप नंबर फाइव के लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर टू। लिखो बेटे गुडविल। स्टेप नंबर फाइव के लिए हम बनाएंगे बेटे वर्किंग नोट नंबर टू। लिख लो बेटे वर्किंग नोट नंबर टू गुडविल। और गुडविल के लिए हमें क्या करना है जी? दो ही चीजें। वाजी वाह वाजी वाह वाजी वाह, वही वही वही। नंबर वन वैल्यू बेटे, या तो हमें वैल्यू देगा नहीं तो हम निकाल लेंगे। और नंबर टू बोलो 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 क्या होगी? अकाउंटिंग ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। मैं वेट कर रहा हूं, मैं रुक गया हूं, मैं जानबूझ के रुक रहा हूं। तुम करोगे पहले, क्योंकि तुम्हें एग्जाम देना है, मुझे नहीं। मैं तो बन चुका जो बनना चाह सी, अब तुम्हें बनना है, तो पहले तुम करो, पीछे पीछे मैं करता हूं। अमित वीडियो ऑन करो ना। शिवम, रजत करो 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 करो। हाँ ये हुई ना बात, करो जल्दी। कर लिया होगा अब तो ये, मैं भी आ जाऊं पीछे पीछे। चलो जी शुरू हो जाते हैं बेटे, जरा देखना फटाफट से। गुडविल की बात करते हैं। 1/5 के लिए 10,000। यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, मतलब क्वेश्चन कह रहा है ले लड्डू, हम कह रहे ला, है ना? और फिर कहते फिर भी हम कह रहे हैं अरे तो मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है। बताओ बेटे लड्डू चबाना भी मुश्किल है क्या? नहीं। लो जी, तो बस उसको सिस्टमेटिक लेके चलना है। कैलकुलेशन क्वेश्चन ने मैं छोटी सी कैलकुलेशन बता दी। क्या भाई? 1/5 के लिए 10,000 है तो टोटल के लिए कितना? 50,000। वाह जी वाह, आगे की बात आगे देखेंगे, चुपचाप से पहले एक काम निपटा लेंगे। हमें नहीं पता, बाद में बात करेंगे, पहले हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन करके देखेंगे ओल्ड में और न्यू में, चुपचाप से बिना कुछ बोले। आवाज नहीं आनी चाहिए। किसी को पता ना चले, आवाज नहीं आनी है इस स्टेप में, चुपचाप से ये काम तो हमें कर लेना है। किसी को पता तो नहीं चल रहा ना, बस चुपचाप से करना है ये वाला काम, पता ना चले। ओ पता ही नहीं चला, तो मतलब बेटे हमने ओल्ड में बांट के देख लेना है, न्यू में बांट के देख लेना है, इसका हमारा अकाउंटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है जी। आओ जी जरा अकाउंटिंग की बात करते हैं। एडमिशन का काम है, याद है ना? स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4 पहले आप करो जल्दी से, और जब कर लो तो मुझे तुरंत थम्सअप दो। इसका मतलब ये होगा कि बच्चे कर चुके हैं और मैं करने के लिए फिर रेडी हो जाऊंगा, तो मैं वेट कर रहा हूँ आपके थम्सअप का। जब थम्सअप आप तब देना जब मैं समझ जाऊं कि बच्चों ने कॉपी पे कर लिया है। तुम करोगे तुम्हें आएगा, मैं करूंगा मुझे आएगा। कैपिटल आ रहा है, वेट कर रहा हूं मैं कि आप लोग मेरे को बोलोगे कि सर हो चुका है।
तो मैं रुक गया जी, वरुण हो गया, जिस जिसका हो जाए वो थम्सअप देता रहे मेरे को, मतलब जूम वाला थम्सअप, जिससे पता चल जाए कि हाँ भाई निशान आ जाएगा कि इन बच्चों का हो गया। और नहीं हो तो लिख देना कि सर मेरे को दिक्कत है, मैं डिटेल में बता दूंगा, डोंट वरी, अभी गाड़ी छुट्टी नहीं है। चलो जी तो मैं आगे बढ़ू, हृदय का हो चुका है, रजत, शिवम, अमित, जल्दी बताओ जी, वरुण, सैमसंग, ओके ओके ओके, तो देते को नहीं यार, अंगूठा इतना महंगा है क्या, क्लिक ही तो करना है। हाँ चलो जी, अब बता रहे हो, चलो ओके, अमित हो गया, नहीं हुआ, ओके हो गया, ठीक है, तो शुक्र है इसमें पैसे नहीं लगते हैं, फिर तो बिल्कुल भी ना देते अंगूठा है। आओ जरा, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, आओ जरा मेरे साथ साथ देख लो कोई चीज इसमें रह गई हो। कैश लेके आया, नंबर वन बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अगर कोई बच्चा यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल के बजाय नए पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट करता है तो अगली एंट्री में वो उसी को डेबिट करे, पर अगर प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट करता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल को ही डेबिट करें, दोनों में से कोई भी करें आप बिल्कुल सही है। प्रीमियम फॉर गुडविल कितने रुपए, 10,000 रुपए, और ये 10,000 रुपए हम लोग क्या करेंगे, बोलो बोलो, हम गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, हाँ टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, बेलो लो बेलो, जल्दी करो जल्दी करो, 6,000 4,000, आगे चलो बेटे। स्टेप नंबर थ्री, बेटे क्या यहां पर कोई नई फर्म जो है उसके अंदर कोई गुडविल अकाउंट खोलने के लिए बोला है? आंसर इज नो, क्वेश्चन ने कहीं भी नहीं बोला कि नई फर्म में वो अकाउंट को दिखाना चाहते हैं, नहीं बोला जी, इसलिए ये एप्लीकेबल नहीं। कभी कभी हुआ करेगा जहां पर क्वेश्चन ये बोला करेगा कि भाई एक काम कर दो, क्या भाई आप ना नई फर्म में गुडविल अकाउंट इतने रुपए का मेंटेन करो, तो हम यहाँ पर तब अकाउंट खोला करेंगे नए पार्टनर में, जब क्वेश्चन बोलेगा सिर्फ तब। आइए जी, तो अगर मैं आपसे कहूं बेटे फटाफट से अकाउंटिंग करो इसकी, तो आप पता है कौन कौन सी पोस्टिंग करोगे, नंबर वन नंबर टू, बस ए और बी की पोस्टिंग करोगे। आओ जरा करें फटाफट, पहले तो बैंक अकाउंट में पहुंचो जल्दी से, पहले तो बेटे बैंक अकाउंट में आओ, कहां है भाई बैंक अकाउंट हमारा, क्या हमने नहीं बनाया? ओ तो ठीक है बेटे, बैलेंस शीट के नीचे बना दो, यहीं पे डी पॉइंट, एक मिनट लगेगी जी, लो लो बेटे बनाओ फटाफट से बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। जो बच्चे फाउंडेशन वाले हैं वो पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट डालेंगे, आइए जी, बाकी को नहीं लिखना, टू बैलेंस बोर्ड डाउन, कितने का बैलेंस है जी बैंक में जरा देखो तो जरा, 10,000 का, लो बेटे 10,000 का तो बैलेंस है, और अब हम वर्किंग नोट्स उठा करके ला रहे हैं, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितने का आ रहा है जी प्रीमियम फॉर गुडविल हमारा, 10,000 का। बेटे बी एंट्री याद है आपको कौन सा वाली सर, जो अभी अभी हमने की है गुडविल के अंदर, हमने कर ली है ए एंट्री की पोस्टिंग, अब हम कर रहे हैं बी एंट्री की पोस्टिंग, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो कहां पोस्टिंग करेंगे जी, पार्टनर्स कैपिटल में, तो बेटे फटाफट से पार्टनर्स कैपिटल में करें पोस्टिंग, देखो क्या लिखेंगे, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, बेटे ए को कितना, 6,000 मिला, और बी को कितना, 4,000 मिला। जो बच्चे बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल के बजाय बैंक टू सीज कैपिटल लिखेंगे वो पता क्या होगा, उनके लिए थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, वो पहले सी के कैपिटल में 10,000 जोड़ेंगे, फिर सी के कैपिटल में से घटाएंगे 10,000, फिर 6,000 और 4,000 ए और बी के खाते में जोड़ते हुए मिलेंगे, मतलब उनके लिए पता काम क्या बढ़ जाएगा, पहले यहाँ पे 10,000 लिखेंगे, फिर यहाँ से 6,000 और 4,000 घटाएंगे, तब जाके यहाँ पे पहुंच पाएंगे, तो बेटे टाइम बचाओ ना। ठीक है मैं खुद लॉन्ग कट कराता हूँ हमेशा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि
इतनी ही गाड़ी दूसरे रास्ते से ले जाएं कि हम रास्ते भटक जाएं। आओ बेटा डिटेल में करना है, ठीक है ना, रिटेल में नहीं करना। किसमें नहीं करना? रिटेल में नहीं करना, डिटेल में करना है। आओ जी, तो बैंक टू प्रीमियम और प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगली बात बेटे, स्टेप नंबर 5 तुम कर चुके हो, स्टेप नंबर 6 पे पहुंचो। बताओ बेटे स्टेप नंबर 6 क्या है सर? कैपिटल। बताओ बेटे पार्टनर्स की कैपिटल है, यहाँ पे नया वाला पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है 50,000। आओ बेटे करो फटाफट से, सबसे पहले यहाँ पे करो बाई, क्या जल्दी बोलो, बाई बैंक किस बात के लिए? कैपिटल वाली बात के लिए। मिस्टर सी ला रहे हैं 50,000 की कैपिटल, और ये पोस्टिंग हमें कर देनी है कहाँ पर? साथ साथ में बैंक अकाउंट में भी कर देनी है। लो भाई लो, जल्दी करो जल्दी करो। टू सीज कैपिटल कितना? 50,000। स्टेप नंबर 1 नया रेशो, स्टेप नंबर 2 रिजर्व सरप्लस, स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन, स्टेप नंबर 5 गुडविल, स्टेप नंबर 6 कैपिटल। देखो हमने कर लिया। क्या क्वेश्चन में स्टेप नंबर 7 के लिए बोला ना जी? तो यहां पर वो नहीं हुआ। मैं एक डाउट लेकर के आगे बढ़ता हूँ, बाकी बच्चे क्वेश्चन को पैक करें, क्वेश्चन हो गया सॉल्यूशन। हाँ भाई पूछो बेटा हृदय। सर ये पार्टनर्स कैपिटल में जो हमने रिवर्स वाला किया टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन रिवर्स, हाँ बेटा सर वो एक और बार समझा दीजिए। मैं समझाता हूँ बेटा, दोबारा समझाता हूँ बाबू, एक बार इसका टोटल कर लो पहले। 70,000, 70,000 और इसको फटाफट से पहले एक बार इस बैंक के बैलेंस को बैलेंस शीट में लिख लो, और फिर मैं आपका डाउट करता हूं। बाकी बच्चे भी फटाफट से करें, बैंक के बैलेंस को बैलेंस शीट में लिखे। एक बार देख लो कि कहीं इसमें कोई हमारी कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो बैलेंस शीट में लिखने से रह गई हो, असेट्स या फिर लायबिलिटी। जरा बेटे चेक करना, लायबिलिटी में ट्रेड पेबल थे, उनके बारे में कोई अपडेशन नहीं आया, तो वो उतने के ही रहे। ट्रेड पेबल अभी लेता हूं बेटा आपका डाउट, कितना? 50,000 है ना, 50,000 के ट्रेड पेबल हमने बैलेंस में लिख दिए। आइए बैंक में सबसे पहले एंट्री बेटे जो है टू बैलेंस ब्रोट डाउन, बैलेंस है बेटे ओपनिंग बैलेंस, फिर टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू सीज कैपिटल। तो मैं मान रहा हूँ यहां तक बात ओके है। आइए जरा बच्चे का एक डाउट ले लेता हूँ, बाकी बच्चे बैलेंस शीट को पूरा करें, क्योंकि बैलेंस शीट में आप कुछ भी नहीं बचा, बैलेंस शीट में आपने सारी चीजें लिख रखी हैं। तो मैं उस बच्चे का एक बार डाउट ले लेता हूँ। देखो हृदय क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है कि ये सब चीजें हैं तो सही, पॉइंट नंबर 5 आप हो सकता है शायद उस वाले क्लास में ना हो, सुन लो ध्यान से। फ्री होल्ड प्रीमिसेस इन्वेंट्री रिजर्व फॉर बैड डेट्स प्लांट फर्नीचर ऑफिस इक्विपमेंट सबका रिवैल्यूएशन जरूर हुआ, लेकिन पॉइंट नंबर 5 को पढ़ो ध्यान से। क्या कहता है पॉइंट नंबर 5? पॉइंट नंबर 5 ये कहता है पार्टनर्स एग्री हुए कि भाई वैल्यू जो असेट्स और लायबिलिटी की है वो सेम रखनी है, इस तरह से कि भाई कोई भी देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन देयर बुक वैल्यू एज ए रिजल्ट ऑफ अबोव मेंशन एडजस्टमेंट। कौन सा वाले? रिवैल्यूएशन। कह रहे हैं कि रिवैल्यूएशन तो कर दो लेकिन बुक्स में दिखाओ मत उसे वैल्यू को। क्या मतलब भाई? जब नया पार्टनर आ रहा है तो उसे बोलो देख भाई अगर हम दिखाएं तो प्रॉफिट देख इतने का है, कितने का? इतने का, तो वो प्रॉफिट हम बांट लेते तो पहले इतने में बांटते ना, कि बिल्कुल सही। लेकिन यार देख बुक्स में दिखा नहीं सकते बेटे, इसी चीज को एक अल्टरनेटिव तरीके से भी किया जा सकता है, सिर्फ 39,000 की ओल्ड और न्यू में बात करके। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सिस्टमेटिक चलेंगे। मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन ये कहता है कि पहले आप रिवॉल्यूशन कर दो फिर उसको रिवर्स कर दो, पुराने में बांट दो और फिर नए में वापस कर दो, ताकि वैल्यू एक बार बढ़ गई फिर घट गई। अगर आप देखो इधर 45,000 बढ़ गए फिर वापस हमने घटा दी। इधर बेटे हमने लायबिलिटी के बारे में इधर बात हमने की, असेट्स की वैल्यू घटा दी या लायबिलिटी बढ़ गई, और यहाँ पर हमने रिवर्सल कर दिया। तो 39,000 का पहले प्रॉफिट बढ़ता तो एयर बी में ऐसे बढ़ता, और अब क्या होगा ये वापस अपनी जेब में निकाल के रखेंगे, पहले अपनी जेब में डाल लेंगे 23,400, लेकिन ए निकालेगा कितने वापस? 18,720। अगर देखो तो शॉर्टकट भी होता है इसका, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग वाला, बस ये मैं अभी बोल नहीं सकता, कहीं बच्चे का कॉन्सेप्ट हिल ना जाए। जब प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी पूरे चैप्टर की तब मैं बोलूंगा यहाँ पर भी एक शॉर्टकट था। आइए चलते हैं। ओके डाउट ओके
चलिए जी बेटे फटाफट से पैक करो, सारे बच्चे फटाफट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पैक करो जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पैक कीजिए। लो भाई लो, जल्दी करो सारे बच्चे, जल्दी करो, टोटल करो जी, 20, 23, 43 और 6 49,400 बेटे, 49,400 में से घटाना है फटाफट से। घटाओ बेटे 18,720, कितना 30,680 रुपए टू बैलेंस कैरेट डाउन बाई बैलेंस ब्रोट डाउन बेटे 30,680 रुपए, क्या कहा मैंने 30,680 रुपए का बैलेंस है। हृदय हो गया तो बेटे हाथ नीचे कर लिया करो, उसमें मनो ऐसा लगता है ऐसे डाउट रह रहा है बच्चे का भी। इधर टोटल करो 119,600 घटाओ बेटे 119,600 में से 12,480 कितना आ गया बेटा 107,120 रुपए बाई बैलेंस ब्रोट डाउन 107,120 रुपए। 50,000 घटाओ बेटे इसमें से 50,000 में से घटा दो 7,800 42,200 लो बेटा जी 42,200। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी हो गया बच्चों, अब हमें बताओ क्या करना है, बैलेंस शीट पे चलना है। तो सारे बच्चे क्या करेंगे फटाफट से बैलेंस शीट पे पहुंचेंगे। तो बैलेंस शीट में आप ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखोगे 30,680 ठीक है जी, कुछ गड़बड़ है क्या? ओहो ये टोटल गलत है भाई, यहाँ पे टोटल गलत है, मैंने उसको 20,000 ले लिया और आप में से कोई बच्चा जागा ही नहीं, अभी सब सो रहे हैं, ये तो गंदी बात, गंदी बात ये गंदी बात है बेटे। आप लोग भी सो गए, वाह वाह, 2,29,400 रजत क्या हो गया तुम्हें हृदय, -18,720 तो ये आगे बेटे 2,10,680 2,10,680। अब अगली बात बेटे, बैलेंस शीट में पहुंचो फटाफट से। सबसे पहले बेटे यहाँ पे क्या लिखोगे, कैपिटल लिखो, जल्दी कैपिटल लिखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जल्दी बेटा, कौन कौन से पार्टनर है, ए बी और सी, ए बी और सी, 210,680 107,120 और बेटे 42,200 जब हमारा स्टेप नंबर 7 हुआ करेगा तो हम ये सारे स्टेप करने के बाद में जब इनका ये टोटल देखा करेंगे तो जैसे यहाँ पे टोटल दिखाई दे रहा है कितना 3,60,000 का टोटल दिखाई दे रहा है। जब हमारा स्टेप नंबर 7 हुआ करेगा तो हम इस 3,60,000 का पहले टोटल कर लिया करेंगे, 3,60,000 आ रहा है, फिर इसको प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में हम बैलेंस शीट किया करेंगे और डिफरेंस को बाई बैंक टू बैंक किया करेंगे, जो भी कैश का लाना ले जाना है। ध्यान रखना अभी इस क्वेश्चन में नहीं है लेकिन आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, बच्चे बहुत उलझते हैं, वो कहते हैं कि सर कौन कौन से स्टेप करने के बाद करें, सारा काम निपटा के बिल्कुल नहा धो के आराम से बैठे हो कंगा वंगा करके तब करना है काम, मतलब स्टेप नंबर 1 से लेके 6 तक निपटा करके तब काम निपटाना है, कभी तुम बीच में गड़बड़ कर दो। तो लो बेटे फटाफट से टोटल करो इसका, टोटल करो जी, कोई बच्चा बताएगा? देखो भाई लेफ्ट का तो मैं सबसे मुश्किल वाला तो मैं बता देता हूँ, ये तो है बेटे 4,10,000,
आप मुझे राइट वाला टोटल बताओ असेट साइड, पता चला आप भी का तो नहीं नहीं सर यही है, जल्दी से बताओ जी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ जी, जल्दी से बताओ। बता दिया बच्चों ने 4,10,000। चलो जी यहां तक बात ओके है, आओ फिर फटाफट से आगे बढ़े बेटे। किस पर बोलो बोलो, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हमारा सबसे प्यारा राज दुलारा, इलस्ट्रेशन नंबर 3 हमारा, रुकने का नाम गाड़ी नहीं है, सिर्फ चलने का नाम गाड़ी है। आइए फिर फटाफट से चलें जल्दी से अगले वाले इलस्ट्रेशन पे, इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले करता है। क्या बच्चे मुझसे पहले कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलो आओ लड़ाई करते हैं, आओ बेटे देखे कौन सा जीतेगा, और मैं बड़ा खुश होऊंगा जब मैं आपसे हारूंगा। रिवेल्युएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, ये दो चीज बनानी है। मैं तो कहता हूँ बैलेंस शीट भी निपटा देते हैं, कैश बैंक भी निपटा देते हैं, क्वेश्चन भले ही कुछ भी पूछे हम सारी चीज बनाए। क्या इसमें देख लो पहले एक बार कहीं पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है क्या, बस ये चेक कर लो एक बार फटाफट से। तुमने पहले से स्टेप नोट कर रखे हैं तो मैं तो कहता हूँ अब तो तुम बच्चे एक्सपर्ट हो गए हो, तो तुम उन स्टेप्स का मजा लीजिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यहाँ पर एक छोटा सा है बस, लेकिन उसका पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, हमने कर रखा पहले, कराई दू क्या, अलाउ मैं स्टेप की काउंटिंग कराई दू फटाफट से। दो भाई आओ जी बच्चों जी, जल्दी चले, लो बेटे मेरे साथ साथ जल्दी से स्टेप लिखे, किसी बच्चे ने नहीं लिख रखे तो जल्दी से लिखना। ए बी पार्टनर है, शेयर कर रहे हैं 3:2 का रेशो, पुराना रेशो। बैलेंस शीट में चेक करो क्या कहीं पे स्टेप नंबर 2 है क्या, रिजर्व एंड सरप्लस, लिखो फटाफट से। स्टेप नंबर 2 यहां पर नहीं है, ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट सी को एडमिट किया उन्होंने 1/6 के लिए, बेटे नया रेशो दे रखा है, हाँ ये तो मजे वाली बात। स्टेप नंबर 1 न्यू रेशो, स्टेप नंबर 2 बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस, स्टेप नंबर 3 बेटे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जहां समझ में आ जाए कि कुछ रिकॉर्ड करने से छूट गया, ये गलती से वो हो गया। देखो जरा सबसे लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो, हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 कर रहे हैं 4 कर रहे हैं, अच्छा हम तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 कर रहे हैं। अच्छा अच्छा यहां पर बेटे चेक करो, यहां पे कुछ भी ऐसा नहीं है, स्टेप नंबर 3 यहां पर नहीं दे रखा है। देखो बेटे यहां पे स्टेप नंबर 3 नहीं है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्या क्योंकि यहाँ पे कहीं भी कोई भी बात एरर वाली नहीं है, हमने पहले कर रखे हैं क्वेश्चन, आपने नोटिंग कर रखी है वहां से मजे लो। स्टेप नंबर 4 रिवेल्युएशन, बेटे रिवेल्युएशन की बात करो स्टेप नंबर 4 की, ये जो लास्ट की जो ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये हमारे सॉरी ये नहीं, ये जो लास्ट वाले दो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 पॉइंट नंबर 5, ये हमारे स्टेप नंबर 4 के हैं रिवेल्युएशन के, इनमें रिवेल्युएशन वाली बात बता रखी है। बेटे स्टेप नंबर 5 पे आइए फटाफट से, गुडविल, बेटे क्या यहां पर गुडविल की कोई बात बता रखी है? यस देखिए सी इज अनेबल टू ब्रिंग, अकाउंटिंग वाली बात, कैश नहीं ला रहा वो, अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, बेटे उसका शेयर गुडविल का, और उसका शेयर कैसे निकालेगा जाएगा, कहते हैं क्या डिसाइडेड टू कैलकुलेट गुडविल की, जब आप गुडविल को कैलकुलेट करो तो सी के शेयर के बेसिस पर करो और कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे करो, लिख लो यहां पे स्टेप नंबर 5 गुडविल। स्टेप नंबर 6 बेटे कैपिटल लेके आ रहा है वो 25,000 की, स्टेप नंबर 6 क्या क्वेश्चन ने बोला है कि नई पार्टनर की कैपिटल जो है नए रेशो में होगी, स्टेप नंबर 7 ना जी ना, लिख लो यहाँ पे स्टेप नंबर 7 नहीं लग रहा है, ध्यान रखना एग्जाम से एक दिन पहले आपको स्टेप जिताएंगे, एग्जाम के अंदर भी और एग्जाम से एक दिन पहले, और जिस बच्चे ने इस बारीकी को समझ लिया जो मैं अपनी क्लास में अभी आपके साथ में लेके आया हूँ, उस बच्चे का पार्टनरशिप तो नंबर बेटे जाते ही पार्टनरशिप अंदर है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा एग्जाम में जाते ही पहले कभी पार्टनरशिप नहीं उठाना चाहिए, पहले छोटा क्वेश्चन होना चाहिए हमेशा, दिल खुलता है जी हाथ खुलता है, वरना हाथ कांपते हैं और वॉमिटिंग आने को हो जाती है, मैं आपको ये भी बता दूं घबराहट हावी हो जाती है, और उसका एक ही तरीका, सबसे पहले छोटा क्वेश्चन उठाओ, फिर उठाओ अपना फेवरेट, तीसरे नंबर पे उठाना पार्टनरशिप जब आप एग्जाम में जाओ, सबसे पहले दो छोटे छोटे क्वेश्चन,
और उसके बाद में जो तुम्हारा दिल खुलेगा ना, उसके बाद में तुम जो नंबर खींचोगे ना, वो तुम खुद भी नहीं सोच पाओगे कितने अच्छे से तुम लोग नंबर खींचोगे, क्योंकि पहले हाथ खुलना जरूरी है। आइए जरा फटाफट से, जल्दी से लिखिए फटाफट, यहाँ पर स्टेप नंबर 7 यहाँ पर नहीं है, लिख लो बेटे, लिख लो, बाद में याद करोगे एग्जाम से एक दिन पहले कि अच्छा हुआ सर ने एक बात लिखा दी थी। आओ चलो, तो आओ फटाफट से शुरू हो जाओ बेटे। क्या क्या बनाना है जी? वही सब बनाना है जी। यहाँ पे कोई रेक्टिफिकेशन तो है नहीं जी। रिवॉल्यूशन है, हाँ जी रिवॉल्यूशन है। कहीं मनमोहन सिंह जी तो नहीं आए यहाँ पे मना करने के लिए? ना भाई ना, बल्कि उल्टा बोल रहा है क्वेश्चन की रिवॉल्यूशन कौन बना देगा, ये नहीं बोला मेमोरेंडम। ओके फटाफट से क्वेश्चन खींचो, क्वेश्चन के कॉलम खींचो बेटे फटाफट से। सबसे पहला काम रिवॉल्यूशन, उससे भी पहला होता रेक्टिफिकेशन अगर क्वेश्चन में दिया होता तो। यानी कि एक सीक्वेंस हमारे दिमाग में आ गया कि सबसे पहले अगर कोई लेजर बनेगा तो वो बनेगा पीएनएल एडजस्टमेंट, जो यहाँ पर नहीं है, तो उसके बाद में दूसरा लेजर बनेगा हमारा कौन सा, बोलो बोलो, रिवैल्यूएशन, और तीसरा लेजर हमारा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स थे? ए बी, आओ बेटे सी भी आ गया अब तो यहाँ पे, ए बी सी, कितने गया सी, ए बी सी, कितने गया सी, कितने गया सी जी, कितने गया सी, ए बी सी, जल्दी जल्दी खींचो। बी वाला लेजर, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी सी, ए बी सी। एक काम कर दिया करो, साथ साथ थोड़ा टाइम बचेगा बेटे, तुरंत ना इसका कैपिटल अकाउंट के बैलेंस उतार दे, बाई बैलेंस ब्रोट डाउन। कितना बैलेंस है? 44,36, 44,000 और 36,000 बेटे, 44,000 और 36,000। सैमसंग M21 बेटे, आप प्लीज वीडियो ऑन कीजिए, बेटा वीडियो ऑन कीजिए। MI शिवम, आप भी बेटा वीडियो ऑन कीजिए। अरे वाह महक, आ गए तुम भी, तुमने बताया भी नहीं शैतान, मैंने बोला था स्वयं से। आइए और हृदय, हृदय सो तो नहीं रहे, हृदय शैतान, हाँ कहाँ गए हृदय? ये गया, ओहो नींद आ गई, नींद आ गई, नींद आ गई, नींद आ गई। हाँ हृदय आज पकड़ा गया, अच्छा यही है, ओके ओके। महक नहीं बोल रही है, इसका मतलब महक सो गई है। MI शिवम, अच्छा महक जाग रही है, ओके ओके। चलो जी आओ बेटा शुरू करें, लो बेटे शुरू करो जल्दी से। अगला कौन सा लेजर बनाना है जी हमें? अगला लेजर बनाना है जी, अगला लेजर नहीं, अब तो बेटे बस बैलेंस शीट बननी है, निपटा दो काम को। जो ये है ए बी, और अब क्या है बेटा सी। शुरू हो जाओ बच्चों और फटाफट से बना दो, लो भाई लो बैलेंस शीट बनाओ, लो भाई लो बैलेंस शीट बनाओ, लो भाई लो बैलेंस शीट बनाओ, बना दो। बैलेंस शीट एज एट, जो भी डेट है, कौन सी डेट है बेटे? 1 जनवरी 2020, ओके 1 जनवरी 2020। बेटे यहाँ पर सब बच्चे डालेंगे लायबिलिटीज और असेट्स, चाहे वो इंटर में हो चाहे वो फाउंडेशन वाले बच्चे हो, क्योंकि ये सीए इंटर में तो है नहीं, ये सीएमए इंटर में है, सीएम पार्टनरशिप और आईपीसी से ग्रुप वन में है, असेट्स और लायबिलिटीज। चलो जी तो करें जी स्टार्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट बताओ बेटे, सबसे पहली बात क्या है? नया रेशो। स्टेप नंबर वन नया रेशो बेटे बना दो, फिर फटाफट से वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर वन, नया रेशो, न्यू रेशो, फटाफट से हेडिंग डालेंगे बेटे, नए पेज पे डालना। कभी तुम सोचो वहां पे प्लॉट में जगह खाली है तो यहीं पे एक नया कमरा छाप दो, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, नए पेज पे होंगे वर्किंग नोट एकदम अलग। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं और उनका क्या रेशो है? ओल्ड पार्टनर्स बेटे यहां पे पता कौन कौन थे? मिस्टर ए और मिस्टर बी, ये दो पार्टनर थे,
जो ओल्ड थे, और पता है इनका क्या रेशो था, 3-2 का, क्वेश्चन में दे रखा है जी 3-2 का। बेटे नए पार्टनर कौन कौन से हैं बच्चों, न्यू पार्टनर्स मिस्टर ए, मिस्टर बी और बेटे मिस्टर सी। जरा देखिए तो सही, नया रेशो दे रखा है। हाँ जी, हमने स्टेप नंबर 1 लिख रखा है बेटे, क्वेश्चन में जहां पे आपने लिखा था ना बच्चों स्टेप नंबर 1, वहां से उठाओ फटाफट से। ठीक है बेटा, सैमसंग तुम बंद कर सकते हो बेटा, है ना, बच्चियों के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है वीडियो ऑन करना, है ना, बिटिया के लिए मैंडेटरी नहीं है, बेटों के लिए, बच्चों के लिए मैंडेटरी है। आओ बेटे ए बी सी फटाफट से आओ बेटे। न्यू रेशो क्या है, 3:2:1। स्टेप नंबर 2 बेटे, क्या हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है बच्चों, जरा चेक करना फटाफट से, यहां पर नहीं दे रखा है बेटा, स्टेप नंबर 2 नहीं दे रखा बेटा। आओ बेटा, तो स्किप द स्टेप, स्किप कर देंगे जी जब कोई स्टेप लगेगा नहीं क्वेश्चन में। स्टेप नंबर 3 बताओ क्या, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्या क्वेश्चन में कहीं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है? ना जी ना, हमने लिख लिया था बेटे, कहीं भी क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं लग रहा। स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन लग रहा है जी, फटाफट से बनाओ बेटे रिवैल्यूएशन, तो पहुंचो बेटे फटाफट से रिवैल्यूएशन वाले लेजर पे पहुंचो। लो बेटे रिवैल्यूएशन वाले लेजर पे हम लोग आ गए, पढ़ो बेटे क्वेश्चन ने क्या कहा, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5। पहले 5 को निपटा ले क्या, हमारी एक बड़ी खराब आदत होती है क्वेश्चन में जो लेंथी पॉइंट दिख रहा हूं ना, जो अटकाने वाला पॉइंट है ना, पहले तो मैं इसे करके मानूंगा, अब इसी पॉइंट, यही पॉइंट है जो मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएगा। ओ भाई पहले हल्का उठा लो, स्टेप वाइज मार्किंग होती है, फटाफट अंदर करते चलो, इसको बोलते हैं प्रोफेशनली कैचिंग करना, नंबर अंदर करने हैं, है ना। आओ जरा धुरंधर बना, बाद में दिखा लेंगे, पहले देखो जरा फटाफट से क्या 2 क्या है जी, कह रहे हैं भाई यहाँ पर ना 1400 रुपए के क्रिएटर जो है ना, अब वो पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। मजे आ गए जी, 1400 रुपए तो देने नहीं है। 2 क्या करना है, तो बाई करना है भाई, बाई ट्रेड पेबल। लो भाई हो सके कोरोना में निपट गया, पैसे ना मांगने आ रहा हूं। आओ जी, नाराज मत हो ना, कभी तुम क्या हो गया सर, कैसे कैसी बातें करो। हाँ वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। आओ जी जरा आगे बढ़ते हैं बेटे, बैलेंस शीट में जाओ फटाफट से, डबल एंट्री करनी है। बोलो बेटे बैलेंस शीट में ट्रेड पेबल थे कि नहीं थे? हाँ सर थे, 17,000 के। देखो फिर फटाफट से, ट्रेड पेबल 17,000, ट्रेड पेबल 17,000, घटा दो, अब नहीं देने हैं रिवैल्यूएशन की वजह से। डालो बेटे रिवैल्यूएशन के इफेक्ट, कितने नहीं देने हैं, 1400 रुपए अब नहीं देने, -1400। तो बेटे जब 1400 रुपए अब नहीं देने हैं तो घटाओ 17 में से 1 बचा कितना, 16, और 16 में से 4 गए कितने बचे, 15,600। आओ बेटे रिवैल्यूएशन में आगे बढ़ो, हाँ डर के आगे जीते, वेरी गुड। लो बेटे रिवैल्यूएशन की बात करते हैं, क्या कहता है जी पॉइंट नंबर 4, तो पॉइंट नंबर 5 तो निपटा लिया, पॉइंट नंबर 4 और 5 दो ही है जी रिवैल्यूएशन के, पॉइंट नंबर 4 को पकड़ के धो देंगे। तो जरा क्या कहता है, कहता है क्या फर्नीचर जो है ना उसको राइट डाउन करना कितने, 870 रुपए से फर्नीचर की वैल्यू डाउन कर दो। तो एक काम करो ना फटाफट से, पहले बैलेंस शीट में सजा लो जिन जिन के लिए हमें बात करनी है, बैलेंस शीट में लिख लो फटाफट से जिन जिन पे रिवैल्यूएशन, बताओ किस किस पे, फर्नीचर पे, इन्वेंट्री पे, ट्रेड रिसीवेबल पे और बिल्डिंग पे भी है और इन्वेस्टमेंट पे भी है। तो एक काम करते हैं सब पे ही है, तो इसको ना पहले बेटे सजा लो बैलेंस शीट को, फटाफट से लिख लो जो जो बैलेंस शीट में दे रखा है, स्पेस छोड़ छोड़ के एक एक लाइन का, वहां पे रिवैल्यूएशन का इफेक्ट देने के लिए लिख लो इनकी वैल्यू। पहले बैलेंस शीट को टीप लो, पहले पुरानी बैलेंस शीट क्या है, 26,000, टाइम बचेगा। अगला पॉइंट क्या है बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन के, बिल्डिंग के बाद में फर्नीचर आ रहा है और फर्नीचर पे भी रिवैल्यूएशन है, तो बेटे लिखो फटाफट से फर्नीचर। बेटे इसके बाद में भी यहां पर कुछ असर आएगा, अगला पॉइंट फर्नीचर कितने का है, 5,800 का, निपटा लो बेटे वैल्यू तो लिख दो 5,800। अगला पॉइंट बेटे, अगला पॉइंट क्या कहते हैं, अगला पॉइंट है इन्वेंट्री का, निपटाओ बेटे इन्वेंट्री।
भाई इन्वेंट्री कितने का है भाई? 21,400 का। ओहो, 21,400 का। देखना जी, कोई बच्चा सो तो नहीं गया? और सबकी सांसें वांसें चल रही है? जल्दी से बेटे वीडियो ऑन करके बताओ क्या सर हम ठीक है? पानी वानी पियो, तुम्हें नींद आ सकती है। हाँ जी, इन्वेंट्री कितने का? 21,400 का। अगला पॉइंट क्या है बेटे? अगला पॉइंट है ट्रेड रिसीवेबल। लो बेटे ट्रेड रिसीवेबल। जाग रहे हैं, जाग रहे हैं, जाग रहे हैं, तीन लोग तो जाग रहे हैं। महक, सैमसंग, हो गया क्या मामला? नहीं, सैमसंग भी जाग रही है। महक, महक सो गई है। ये मैं कह रहा था ना, देखो एक बच्चे के खर्राटे की आवाज आ रही थी मुझे, और मैं सोच रहा था पता नहीं किसकी है, और मैं उसी लिए ढूंढ रहा था। देखो जिसने वीडियो ऑन नहीं की इसका मतलब खराटे की आवाज उसी की थी। दे दनादन खराटे, ये उसी की आवाज है। महक ये देखो पकड़ी गई आज। आओ जी ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल भाई, ट्रेड रिसीवेबल कितने के हैं? हाँ देखो अभी तक नहीं उठी महक। बेटे मैं कह रहा हूं पानी वानी पी लो, मुझे पता है प्रैक्टिस में ऐसा होता है कभी कभी ना, नींद आती है, और नींद के आगे जीत है, डर के नहीं, नींद के आगे। तो प्रोविजन रिक्वायर्ड टू वगैरह वगैरह, ठीक है जी। प्रोविजन भाई ट्रेड रिसीवेबल कितने के हैं? ये हैं 35,000 के। ट्रेड रिसीवेबल हैं बेटे 35,000 के। और यहाँ पर जो प्रोविजन है वो एडिशनल प्रोविजन बनेगी, बनाएंगे जी बाद में, एडजस्टमेंट करेंगे जी बाद में, पहले इसको नोट कर लेते हैं, बच्चों को जगा लेते हैं। महक उठ जाओ बेटा, उठ जाओ बेटा, उठ जाओ, सुबह हो गई। आओ जी अगला पॉइंट क्या है हमारा? इन्वेस्टमेंट। तो बेटे लिखो फटाफट से, सारे बच्चे लिखेंगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स, तो बेटे इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। कितने के इन्वेस्टमेंट? 2,500 के। पहले लिख लो बेटे इन्वेस्टमेंट है 2,500 के। अगला और क्या पॉइंट है बेटे? और भी कोई चीज है? ना जी ना, ना जी ना। फिर तो बेटे कैश है, तो एक काम करते कैश और बैंक इकट्ठा अकाउंट बना लेते हैं। जरा देखना फटाफट से, कैश और बैंक इकट्ठा अकाउंट बना लेते। यहाँ पे है क्या? ना जी। आगे बनाते हैं, लो बेटा डी पॉइंट यहीं पे बनाते हैं। डी लेजर, डी कैश एंड बैंक अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,500 रुपये। 15,500 रुपये। आगे चलो जी, चलते चलो जी। अब देखो बेटे जरा फटाफट से क्या है जी हमारा, हो गया हमारा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टेप नंबर वन कर चुके हैं, नया रेशियो। स्टेप नंबर टू रिजर्व सरप्लस यहाँ पर नहीं है। स्टेप नंबर थ्री रेक्टिफिकेशन नहीं है। स्टेप नंबर फोर कर रहे हैं हम लोग रिवेल्युएशन। रिवेल्युएशन पे थे तो मैंने आपसे कहा था बेटे पहले बैलेंस शीट की चीजें उतार लो, ताकि बैलेंस शीट हमारे साथ साथ तैयार हो जाए। पढ़ना जरा फर्नीचर। फर्नीचर टू बी रिटन डाउन बाई 870। बेटे फर्नीचर को घटा दो। कहाँ है भाई फर्नीचर? अरे ओ फर्नीचर, अरे कहाँ है रे, कहाँ गया फर्नीचर? ये रहा। लो बेटे फर्नीचर को घटाओ जल्दी से। फर्नीचर टू बी रिटन डाउन बाई बाई 870। बेटे 5,800 में से घटा दो 870, तो बच गया हमारा 4,930 रुपये। ये है बेटे हमारा रिवेल्युएशन का इफेक्ट। आपको पता है रिवेल्युएशन अकाउंट में भी जाएगा? हाँ सर। तो फटाफट से भेजो टू फर्नीचर कितना बेटे? 870 रुपये। आगे बढ़ो, चलते चलो जल्दी जल्दी। अगला पॉइंट क्या है जी रिवैल्यूएशन का? फर्नीचर के बाद में बात आई इन्वेंट्री। कहते हैं क्या? इन्वेंट्री टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 5%। इन्वेंट्री कितने के? 21,400 की।
तो बेटे 21400 का 5% कितना होता है? 1070। बेटे फटाफट से लिखो 1070 टू इन्वेंट्री, 1070 से इन्वेंट्री घट गया बेटे, घटाओ जी फटाफट से, तो पहुंचाओ जी इसको बैलेंस शीट में। लो भाई इन्वेंट्री कहाँ है जी हमारा, ये रहा इन्वेंट्री, इसको घटा दो बेटे रिवैल्यूएशन के इफेक्ट की वजह से, कितने रुपए से बेटा 1070 के इफेक्ट की वजह से घट जाएगा ये, 21400 में से घटा दो कितना आया बेटे 20,330 रुपए। आगे चलो जी, चलते चलो जी, नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है मेरे बच्चों, जल्दी करो। प्रोविजन इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेड रिसीवेबल कितना? 5%। ध्यान से इसको, ध्यान से करना भाई, यहाँ खतरा है भाई, और ये तो मजेदार, मजा तो वही लेगा सबसे ज्यादा इसका जिसने रिजर्व फॉर बैंकर्स की एडजस्टमेंट भी कर रखी अपने साथ। आपको पता है शक, ये क्या कह रहे हैं बताओ बेटे, पहले से कितने रुपए का शक था पता है? पहले 200 रुपए का शक था। क्वेश्चन क्या कहता है? प्रोविजन इज रिक्वायर्ड, यानी कि शक की जरूरत पता है कितनी है? क्वेश्चन ने कहा हमारा शक बढ़ा या घटा? शक बढ़ा हमारा डेटर पे, कहते हैं शक बढ़ा, प्रोविजन बनानी है कितने की? 5% की। मैं कह सकता हूं बेटे अगर आप करोगे डेटर्स पे शक करोगे 5% का, तो बताओ कितने रुपए की प्रोविजन होनी चाहिए? 35,000 का 5% होनी चाहिए 1750 रुपए, कितनी बोलो बेटा? 1750 रुपए। बच्चा यहाँ पे गलती करता है, मैं पहले बता दूं, वो पता क्या करता है? सर हाँ सर ठीक है सर, समझ में आ गया। क्या बेटे? कि सर प्रोविजन जो है 1750 की होनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा, तो बच्चा क्या लिखता है सुन लो, पहले मैं गलत लिखूंगा, कभी तुम भी लिख लो साथ साथ, टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स 1750 रुपए लिखता है बच्चा। बेटे गलत है, वो चाहते हैं 1750 का बैलेंस हो जाए रिजर्व फॉर बैड डेट्स का। पहले से कितना है ये तो देखो, पहले से 200 का है ऑलरेडी वहां पर, देखो जरा बैलेंस शीट में, पहले से ऑलरेडी वहां पर 200 रुपए का शक पहले से क्रिएटेड है, यानी पहले से ही उन्होंने 200 का लॉस मान रखा है, और अब वो चाहते हैं कि ये लॉस 200 का ना रहे, ये 1750 का हो जाए, यानी कि बेटे कितना और एक्स्ट्रा यहां पर रिवैल्यूएशन की वजह से लॉस जनरेट होगा, दैट इज 1550, क्योंकि बेटे 1750 में से ऑलरेडी 200 का है रिकॉग्नाइज, तो कितना और हमें एक्स्ट्रा रिकॉग्नाइज करना है, वो है बेटा कितना 1550। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गई। आइए अगला पॉइंट बेटे, नेक्स्ट अगला पॉइंट है बेटे, क्वेश्चन ये कहता है द वैल्यू ऑफ बिल्ड, नहीं प्रोविजन वुड बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ 1560। तो कहते हैं 1560 की प्रोविजन बनानी है आउटस्टैंडिंग वेजेस की। ओके तो बेटे आउटस्टैंडिंग वेजेस की प्रोविजन बनाओ बेटे, जरा एक बार ये चेक कर लो, तुमने डेटर्स की डबल एंट्री कर दी कि नहीं कर दी? पहले इसको चेक करो, क्या तुमने घटा दिया? नहीं तो घटाओ ना यहाँ, माइनस रिजर्व फॉर बैड डेट्स, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ओल्ड 200 और रिवैल्यूएशन की वजह से आया हुआ है 1550, तो इस तरह से हो गया ये 1750। मतलब ये रह गया 33,250। मैं उम्मीद कर रहा हूं जी आपको ये पॉइंट पूरी तरह क्लियर है। अगला पॉइंट हम लोग कर रहे हैं बेटे, आइए क्या कहता है जी, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस की प्रोविजन बनानी है कितने की? 1560 की, पहले थी क्या? ना जी। तो बेटे यहां पर एक लायबिलिटी हम रिकॉग्नाइज करते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस एक नई लायबिलिटी जो बुक्स में नहीं थी, हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं रिवैल्यूएशन की वजह से आई। ध्यान रखना, अगर इसी के लिए लिखा होता क्या लिखा होता सर? अगर बेटे इसी के लिए ये लिखा होता कि भाई ये भूल गए थे तो फिर ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पार्ट बनती, ना कि रिवैल्यूएशन का। असर भले ही सेम आए,
लेकिन कॉन्सेप्ट तो पूरा रहे। आइए जी, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस कितनी है बेटा यहाँ पर? 1560 रुपए, 1560 रुपए, 1560 रुपए। बेटे इसी चीज को हम क्या करेंगे, ले जाएंगे रिवल्यूशन में। टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 1500 रुपए, सॉरी 1560 है ना, 1560 रुपए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों को यहां तक बात ओके है। आइए बेटे अगली बात पे चलते हैं। और क्या रह रहा है जी रिवॉल्यूशन में? चलिए तो जरा बिल्डिंग रह रही है थी, बिल्डिंग को बढ़ाकर कहां तक कर देना, 29,200 तक। कहां तक ये बिल्डिंग, जरा आओ बेटे बैलेंस में पहुंचो, 26,000 की। और कह रहे इसको बढ़ा दो, 29,200 तक बढ़ा दो। अगर 29,200 तक बढ़ाना है तो बताइए बेटे फिर इसको कितना बढ़ाना है रिवॉल्यूशन में, प्लस रिवॉल्यूशन, यानी बेटे 3,000, क्या कहा मैंने, 3,200 से अपवर्ड रिवॉल्यूशन है, रिवैल्युएशन। बेटे फटाफट से पोस्टिंग करो रिवैल्युएशन में, बाय बिल्डिंग अकाउंट 3,200। क्या मैं मानूं यहां तक ओके है? महक बेटे वीडियो ऑन करो, ओके है। अच्छा बस ठीक है, थम्स अप यहीं तक, समझ में आ गया कि हाँ भाई जाग रहे हैं। हाँ भाई अमित गुड मॉर्निंग, और किसके कैमरे बंद है, हृदय गुड मॉर्निंग, ओके ओके जाग रहे भाई, सैमसंग ओके ठीक है डन, ठीक है आओ बेटे चलते हैं आगे। जरा ये वाला हो गया हमारा, अब नेक्स्ट है हमारा बिल्डिंग के बाद में अगला बेटे वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना है हमें 450 से। आओ बेटे बाई इन्वेस्टमेंट 450 रुपए से बढ़ा दो बेटे बैलेंस शीट में पहुंचो, और आओ जरा फटाफट से बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, कितने से, प्लस रिवैल्यूएशन 450 रुपए से, 450 यानी कितना हो गया बेटे 2950 रुपए। मैं मानू यहां तक सब ओके है, ओके है जी, चलिए ओके है। स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4 हो चुका है बेटे, देखना बैलेंस में और कोई चीज बची हुई है, कोई ऐसे सेलिब्रिटी बच रही है क्या, देखना नहीं है तो बेटे एज इट इज उतार दो, जरा ट्रेड पेपर है फटाफट लिखो, ट्रेड पेपर लिख दिया जी। अच्छा और बैंक ओवरड्राफ्ट है, ओहो ये तो कैश बैंक में आएगा जी, लो बेटे कैश बैंक कहाँ है जी, इसी के नीचे है, हमने यहां पर बनाया है कैश बैंक अकाउंट, तो हम लोग यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट को लिख देते हैं। बेटे बैंक का यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस है, बाई बैलेंस ब्रोट डाउन कितने का, जरा चेक करो बैलेंस शीट में, 9,000 का, ओके चलें आगे। देखो बेटे 9,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस है, आइए आगे बढ़ते हैं। और क्या रह गया, बस स्टेप नंबर 4 पूरा हो गया क्या जी हमारा, देखना कुछ बचा तो नहीं है बैलेंस शीट में डालने, ना जी ना, बस निपटाओ बेटे फटाफट से। स्टेप नंबर 1 नया रेशो, स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन, स्टेप नंबर 4 निपटाओ बेटे से पूरा करो, स्टेप नंबर 4 को रिवैल्यूएशन। तो बेटे फटाफट से इसका टोटल करो, टोटल हमारा कितना आएगा जी, 3 और 4, 4 2 6 और 4 10 और 1 5, ये आगे बेटे हमारा कितना, 5,050 रुपए, 5,050 रुपए में से घटा दो बेटे, क्या घटा दें, 5,050 रुपए से घटाओ बेटे, 870 घटाओ, घटाओ 1,070 रुपए घटाओ, 1,550 घटाओ, 1,560 घटाओ, खत्म बेटे जीरो, ओ कोई भी प्रॉफिट लॉस नहीं है। सर ये क्या हुआ, बड़ा दुख हो रहा है, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, वो जरूरी है हर बार प्रॉफिट लॉस हो, ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े आइए जी। तो बेटे यहां पर कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है। स्टेप नंबर 5 बेटे, स्टेप नंबर 5 बताओ जी, स्टेप नंबर 5 के लिए क्या करेंगे हम लोग, गुडविल वाले स्टेप के लिए एक वर्किंग नोट बनाएंगे, और वहां पर वही दोनों बातें होंगी, कैलकुलेशन और अकाउंटिंग। तो फटाफट से यहां पे लिखो,
वर्किंग नोट नंबर फाइव, वर्किंग नोट नंबर टू है, स्टेप नंबर फाइव है, वर्किंग नोट नंबर टू, हेडिंग डाल दो बेटे गुडविल, स्टेप नंबर फाइव गुडविल, कैलकुलेशन एंड अकाउंटिंग। तो फटाफट से यहां पर लिखो बेटे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कल भी की थी, परसों भी की थी प्रैक्टिस, आप भी घसोगे, आप कहोगे अरे सर ये तो कुछ भी नहीं बच रहा, इसमें वही सब कर रहे हैं हम लोग जो हम रोज करते आ रहे हैं, बस उसको आज एक साथ कर रहे हैं जो अलग अलग किया था। लो बेटे, नंबर वन वैल्यू वैल्यूएशन, या तो क्वेश्चन वैल्यू देगा, आइए जी। नेक्स्ट क्या होगा बेटे, अकाउंटिंग, और सबने कैमरे बंद कर लिए, क्या बात है, सबने बंद कर दिए, हृदय रजत, अच्छा आओ बताओ बेटे वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है क्या, जल्दी से बताओ क्या हमें यहाँ पे क्वेश्चन ने वैल्यू दे रखी है, या निकलवा रहा है, कह रहा है, ये रहा देखो, सी के बेसिस पर वैल्यू निकालो। लो बेटे फटाफट से आओ, आपको पता है यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी थी, और यहाँ पे जो वैल्यू है ये, इसको हम क्या बोलते थे, हिडन गुडविल, क्या बोलते थे बोलो, हिडन गुडविल। तो लिखो बेटे, लिख दो यहाँ पे हिडन गुडविल, और क्वेश्चन ने जब बोला है तो बेटे उसी तरह बात मानी जैसे क्वेश्चन ने बोला है। सबसे पहली बात, रिक्वायर्ड कैपिटल ऑन बेसिस ऑफ सी, पूरी फर्म की रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ फर्म लिखो पूरा, ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। लो बेटे कितने हिस्से के लिए क्या ला रहा है, ये एक बटा छह के लिए 25,000 ला रहा है, तो बेटे 25,000 अगर एक बटा छह के लिए है, तो टोटल के लिए कितना होना चाहिए, 150,000। उसमें से हम लोग क्या करेंगे बेटे, लेस करेंगे, क्या एग्जिस्टिंग कैपिटल। बच्चों एग्जिस्टिंग कैपिटल में क्या क्या चीज होगी, जल्दी बताओ, बोलो 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 भाई। एक तो ओल्ड वाली कैपिटल जो किस किस की है, मिस्टर ए और मिस्टर बी की है, 44,000 और कितनी, 36,000, ये है नंबर एक बार। पहले से कितनी है, ये कितनी है, ये 4 और 3 7 और जी 8, 80,000 तो पहले से ही है। अब यहां पर प्लस मिस्टर सी भी ले आएंगे, सी कितने लाएंगे, 25,000। तो अगर मैं देखूं इसके बेसिस पर जो कैपिटल आ रही है बेटा, बच्चों प्यारे प्यारे बच्चों, वो कितनी आ रही है, टोटल कर लो कितनी आ रही है जी, 1,05,000 आ रही है, और आनी कितनी चाहिए, ये जीरो कम लगा दी मैंने, 1,50,000 आनी चाहिए। इसका मतलब कुछ है जो अभी बुक्स में दिखा नहीं रखा है, दैट इज व्हाट, दैट इज हिडन गुडविल बेटे, ये है यहां पर गुडविल। और ये इसके लिए बेटे कोई अलग से मेथड की आवश्यकता नहीं है, ये क्वेश्चन में जो वर्डिंग होती है ये उसी के ऊपर बेस्ड है, हिडन गुडविल, क्या हिडन गुडविल। आइए आगे बढ़ते हैं बेटे, जैसे ही हमें पता चला गुडविल की बात, तो पता है ना, याद है ना, याद है, यस ओके, महक को भी समझ में आ गया, वेरी गुड, ये हुई ना बात, साथ साथ बताते रहो। एकदम से हम क्या करेंगे, चुप चाप से वही वाला काम है ना, आवाज नहीं आनी चाहिए।
पहले बांटते तो ये बांटते, और अब बाद में बांटेंगे, तीनों दो पांच और एक छह, तो भाई कितना आएगा 45,000 बटे छह 7,500, 15,000 और बेटे 22,500। यानी कि 4,500 रुपये से ये सेक्रीफाइस करने वाला है, ये बेटे 3,000 रुपये से सेक्रीफाइस करने वाला है, ये बेटा 7,500 से गेन करने वाला है। कह दो कि यहां तक बात ओके है, चले अकाउंटिंग की तरफ। ओके वेरी गुड, सिर्फ महक बताती है और बाकी बच्चे अच्छा बताओ जल्दी ओके है बाकी को, यहां तक सब ओके है। चलो फटाफट से अकाउंटिंग करो। अब पहले आप लोग अकाउंटिंग करोगे, याद है ना एडमिशन, अकाउंटिंग फॉर क्या लिखोगे यहाँ पे, एडमिशन लिखो जल्दी। अकाउंटिंग फॉर एडमिशन स्टेप नंबर वन, मैं खाली स्टेप के हेडिंग डाल के छोड़ूंगा। तुम करोगे तुम्हें आएगा, मैं करूंगा मुझे आएगा। हो गया मैं, वेरी गुड, बाकी बच्चों का वेट है जी मुझे। फ्राइडे से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, जो भी बच्चे ऐसे बच्चे हैं जिनके टच में कोई दूसरे बच्चे हैं जो करना चाहते हैं, आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। फ्राइडे से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है और सुबह से, हाँ टाइमिंग रहेगी उसमें, सुबह से हम लोग शुरू हो जाएंगे, सुबह आप ये समझ लो 8 बजे से, 8 से 9:30, फिर 9:30 से लेकर 11 या 11:30 तक, और फिर 2 क्लास तो ये होया करेंगी और 2 क्लास हुआ करेंगी शाम को। तो मैं वेट कर रहा हूँ जी, बेटे कर लिया होगा, आइए जी। और एक ही लिंक पे क्लास हुआ करेंगी, इसी लिंक पर, जो ये मेरा लिंक है, इसी लिंक पे क्लास हुआ करेगी, कहीं नहीं जाना, इसी लिंक पे आना। और बस एक थोड़ा सा ध्यान रखना बेटे, वो पेड बैच है प्रॉपरली, यहाँ पर भी पेड बैच ही है, ये तो हमने जून वालों के लिए थोड़ा सा अपनी तरफ से सपोर्ट करने की कोशिश की कि भाई किसी को अगर ऐसे दिक्कत हो तो इस वजह से बच्चे का रिजल्ट खराब ना हो। तो टोटली बेटा पेड बैच है वो, तो जो भी बच्चा आना चाहे वो आ सकता है। हम लोग शुरू करते हैं जी इस क्वेश्चन की बात। बेटे पुराना कोई गुडविल अकाउंट है क्या यहाँ पर? ना जी, बैलेंस शीट में कोई भी गुडविल अकाउंट नहीं है, नोट एप्लीकेबल। प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश बेटे ब्रिंग करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। बेटे पार्टनर ला रहा है ना शेयर? हाँ जी, कितना ला रहा है बताओ गुडविल के नाम का? लिखा यहाँ पे अनेबल टू ब्रिंग, ओहो
अनेबल टू ब्रिंग लिखा हुआ है ओ प्रीमियम फॉर गुडविल, लिखो यहाँ पे नोट ब्रिंग इन कैश, क्वेश्चन में बेटे लिख रखा अनेबल टू ब्रिंग, नोट ब्रिंग या अनेबल टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल, अनेबल टू ब्रिंग इन कैश, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा अनेबल टू ब्रिंग, यानी कि वो नहीं ला रहा है। और जब नहीं ला रहा है, आपको पता है ना हमने कुछ केसेस किए थे इसके, 5 केसेस अनेबल टू ब्रिंग, क्या करेंगे वहां पर बताओ जल्दी से, क्या करेंगे वहां पर जब नहीं ला रहा है? या तो गुडविल अकाउंट खोल के बंद कर देंगे या एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल कर देंगे, हम कौन सा करेंगे बताओ, टाइम बचाएंगे एग्जाम में, एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल। तो जी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग कर दो बेटे फटाफट से, ये जो चुपचाप से हमने काम किया ना, चोरी से चुपके से, ये काम हमने इसीलिए कराया था, 4500 और 3000 गेनिंग सी डेबिट और 2A और B 4500 और 3000। लो जी नया पार्टनर है जी यहाँ पर, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, बेटे ए की जो कैपिटल है उसमें गया जी कितना, यहाँ से 7500 रुपए सी में से डेबिट हुए और यहाँ पर बेटा 4500 और यहाँ पर 3000, कोई और एंट्री होगी क्या? ना जी ना, एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल हो गया। क्या क्वेश्चन ने बोला? मोस्टली क्वेश्चन में नहीं बोलेगा कि नई फर्म की बुक्स में कोई अकाउंट खुले, हो गया जी, वेरी गुड। आओ बेटे आगे बढ़े, स्टेप नंबर 5 को पूरा करें, अकाउंट्स में भी तो करना है। स्टेप नंबर 1 नया रेशियो, स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन, स्टेप नंबर 5 गुडविल की वैल्यू तो निकाल लिया, अब अकाउंटिंग इसकी बात करें तो सी के कैपिटल से निकालो जी और ए और बी के कैपिटल में पहुंचा दो जी फटाफट से। ये इसका पता क्या मतलब हुआ बेटे? गुडविल का पैसा तो लेके रहेंगे, अगर हमें कोई दर्द हुआ है और उस दर्द के बेसिस पे, उस पेन के बेसिस पे हम लोग किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो आगे अगर कोई नया पार्टनर आना चाहता है तो ऐसे मजे लेके नहीं आएगा पार्टनरशिप में, उसको उस पेन की वैल्यू देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अब आपके सामने ये, आप खुद देखते हो कि हम लोग खड़े खड़े क्लास लेते पूरे दिन, मैं खुद खड़ा खड़ा क्लास लेता हूँ यहाँ पे पूरे दिन, मैं आज का जो पेन ले रहा हूँ आपको बताया मैं किस लिए ले रहा हूँ बेटे? मेरे को अपना क्लास, अपनी क्लास की ब्रांडिंग करनी है, सीधी सी बात है, प्रैक्टिकल बात करते हैं। कल को अगर हमारे साथ में कोई भी मेरे साथ में टीम मेंबर आएंगे तो मैं चाहूंगा कि वो भी मेहनत उसी लेवल की करें, और ऐसा तो है नहीं, देखो फाइनेंशियली बात है बिजनेस की, उतना शेयरिंग उनसे नहीं होगी ऑफकोर्स, क्योंकि वो एकदम से उस पेन को क्रॉस करके कैसे भला पहुंच सकते हैं, उनको भी वो मेहनत करनी पड़ेगी, वो जुनून लेके आना होगा जो रिजल्ट के लिए पूरी पूरी जान लगाए, तो सिर्फ वही आगे जाएगा। और ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे ही बिजनेस डेवलप किया जाता है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मैं आपको सारी बातें बिल्कुल प्रैक्टिकल ओरिएंटेड करता हूं क्लास में। तो गुडविल का पैसा तो मैं भी लेके रहूंगा, मैं कहूंगा ये ऐसे थोड़ा ना होगा, आप आए और मजे लेकर मेहनत करो और मेहनत करो वरना शेयर कम करो। यही काम बेटे पार्टनरशिप में आप भी करोगे कल को, यही काम बेटे हमारी अकाउंटिंग में हमेशा होता है, ध्यान रखना, कहते हैं मूल से ज्यादा प्यारा ब्याज, बेटे कभी भी गुडविल का पैसा छोड़ा नहीं जाएगा, कभी नहीं छोड़ा जाएगा। अब क्वेश्चन में अगर बोल दे कि अलग से लेके आ रहा है गुडविल का पैसा तो वहां से ले लेंगे, नहीं तो बेटे कैपिटल तो लाएगा और कैपिटल लाएगा तो वहां से निकाल लेंगे। देखो जरा यही तो हो रहा है इस क्वेश्चन में, कैश नहीं ला रहा कोई बात नहीं, कैपिटल तो लाएगा, हम गुडविल का पैसा तो लेके रहेंगे, हाँ अलग से लाएगा तो वहां से ले लेंगे प्रीमियम में से, नहीं लाएगा तो कैपिटल में से निकाल लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में कैपिटल तो लाएगा 25,000, हम वहां से इसको निकाल लेंगे। लो बेटा टू क्या करेंगे जल्दी से बोलो, एक मिनट, सी के खाते से टू एज कैपिटल, एक मिनट बस, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, बेटे सी के कैपिटल से निकाल दिया हमने, कितना निकाले बताओ बेटे? एक तो निकाल लिया 4500 रुपए, कितना 4500 रुपए, और एक निकाल लिया 3500 रुपए बाई सीज कैपिटल, बेटे हमने उससे ले लिया, पहले ही ले लिया प्रीमियम का पैसा, उससे पहले ही ले लिया, छोड़ेंगे नहीं। तो ये बात आप भी ध्यान रखो, जितना जोर लगा के मैं इस बात को बार बार बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे प्रीमियम का पैसा, लाएगा अलग से तो वहां से ले लेंगे वरना कैपिटल से ले लेंगे। बेटे यही तो अकाउंटिंग है, यही तो अकाउंटिंग है, अनेबल टू ब्रिंग ब्रिंग, अनेबल टू ब्रिंग ब्रिंग।
आधा लाएगा तो आधा बांट लेंगे, बाकी आधे का हिसाब किताब कैपिटल से कर लेंगे निकाल करके। लो जी, तो अगली बात स्टेप नंबर फाइव के बाद बेटे अगला है स्टेप नंबर सिक्स। भाई कैपिटल ला रहा है वो, हाँ जी ला रहा है, कितना 25,000 बाई बैंक। बेटे 25,000 की वो कैपिटल ला रहा है। बेटा पोस्टिंग करो साथ साथ में कहां पर, बैंक में। ये है हमारा स्टेप नंबर सिक्स, बैंक अकाउंट में भी पोस्टिंग कीजिए। क्या प्रीमियम की एंट्री करने सर? नहीं बेटे उधर लाई नहीं रहा, तो किसकी एंट्री करने? कैपिटल की। टू सीज कैपिटल अकाउंट, 25,000 रुपए वो लेकर के आया। स्टेप नंबर सेवन, अगर क्वेश्चन ने बोला होता तो कर दीजिए। हो गया बेटे क्वेश्चन का सोल्यूशन, फटाफट से पैक करो, जल्दी से पैक करो। स्टेप बनाए हैं ताकि आपको पता भी ना चले कब मेरे को क्वेश्चन हो गया। अब चाहे हमारी तरफ से 10 पेज का क्वेश्चन आ जाए, अब पता क्या होगा, मैं बोलूंगा कि सर कि बेटा भगवान करे बड़े क्वेश्चन आए, तो बच्चा क्या कहेगा, हे कैसी बातें करते हो सर, आप कैसी कैसी दुआएं मांगते हो अपने बच्चों के लिए। मैंने कहा बेटे जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तभी तो हम कंपटीशन में आगे जाएंगे, क्योंकि आप उसको चुटकियों में सोल्व कर दोगे स्टेप बाई। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा पूरा, हाँ जी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा करो, जल्दी से करो बेटे फटाफट से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा करो। चवालीस और चार 48,500 इधर का टोटल है बेटे, यही हमारा बैलेंस सीडी होगा। बाई बैलेंस ब्रोक डाउन 48,500 इधर बेटे 39,000 ये कितना है बेटा 25,000। बताओ बेटे वो बेचारा सोच के आया था कि मैं तो 25,000 कैपिटल लेके जा रहा हूँ, आके पता चला कि प्रीमियम तो लाया नहीं नलायक तू, अब तेरी कैपिटल में से निकलेगा, है ना। हाँ तो ये कितना आ गया 17,500 बेटे। एक एक अकाउंट को पैक करना है जी, बैलेंस शीट में भेजो फटाफट से पहले कैपिटल को। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। तो बेटे ए की कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल 48,500, 39,000 बेटे 17,500 जरा टोटल करना, 48,500 प्लस 39,000 प्लस 17,500 बेटा 1,05,000 हो गया बेटा 1,05,000। आओ बेटे आओ, जल्दी से कराओ, आगे चलो जी आगे चलो। बैंक अकाउंट का बैलेंस भी तो लिख दो जल्दी से। कितना हो गया 15,500, 40,500 घटाना जरा 31,500 आ गया। बाय बैलेंस सीडी टू बैलेंस बीडी 31,500 आओ जी इसको बैलेंस शीट में लिखो फटाफट से बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी से आओ 31,500 को बैलेंस शीट में लिखो। बैंक 31,500 करो बेटे टोटल करो फटाफट से। लो बेटे लेफ्ट साइड का तो मैं कर रहा हूँ, जो सबसे मुश्किल है तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से मैं कर पाऊंगा, बाकी तुम राइट साइड का करो असर साइड का। तो जी ये हमारा निकल के आया जी कितना जी
122,160 आ रहा है लायबिलिटी साइड का। है कोई बच्चा जो मुझे आंसर दे फटाफट से? लो भाई मुझे करना पड़ेगा 29,200 4,930 फीस तुझे दी है, टोटल हम करें। वाह वाह वाह, 2,950 + 31,500 122,160। ठीक है जी। तो बेटे ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा जी, जल्दी बोलो, इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो जो बच्चे अभी लाइव में पढ़ रहे हैं उनको मैसेज दे दूं पहले, अभी हम लोग मिल रहे हैं, अभी क्लास का क्लास में यहाँ पे ओवर करता हूँ क्योंकि 1.25 घंटे की क्लास के बाद में हम हमेशा ब्रेक लेंगे। जो बच्चे अभी लाइव में पढ़ रहे हैं हम लोग मिलते हैं जी, अभी 12:30 हो रहे हैं, करेक्ट 1 बजे चालू हो जाएंगे। ठीक है, अगली क्लास के लिए आप लोग तब तक अपना भोजन पानी जो करना है कर लो। आप तो बेटा डेरा डल गया, आप तो इसको ना निपटा के हटेंगे हम लोग। ठीक है, और जो बच्चे रिकॉर्डिंग में पढ़ रहे होंगे, इस क्लास को बाद में देख रहे होंगे, उनके लिए मैं मैसेज अभी रिकॉर्ड कर देता हूँ। उन बच्चों के लिए ये क्लास एक रेगुलर क्लास की तरह से होगी, एक अलग तरीके से क्लास। तो वो बच्चे क्या करेंगे, उनकी क्लास अगले दिन होगी, तो उनके लिए होमवर्क है बचे हुए सारे क्वेश्चन जो बच्चे इस क्लास को रिकॉर्डेड क्लास में देख रहे होंगे। ठीक है जी, चलिए जी मिलते हैं फिर हम लोग, ठीक 1 बजे मिलेंगे लाइव वालों के साथ में, और जो रिकॉर्डेड वाले हैं उनके लिए अगले दिन मिलेंगे। ओके बच्चों।